अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहने की जरूरत नहीं, पर ये आखिरी बाजी, तुम नहीं मैं जीता हूं। मैं यकीन ही नहीं होता कि दरिंदा ही हैवान रिया जी के पति है। हे भोलेनाथ, इनसे हमारे परिवार का और रिया जी का रक्षा करना। अरे ये क्या कर रहे आप? छोड़िए इनको, अरे छोड़िए इनको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि दरिंदा इनका पति कैसे हो सकता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उनको ऐसे जाने नहीं देंगे, दरिंदे आदमी के साथ जाने नहीं देंगे। भाभी, हमें उन्हें रोकने का कोई हक नहीं है। राजीव बाबू, आप कुछ कहिए ना, रोकिए ना आप। तुम दो रहो, कोई भी इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई नहीं। आप इनको नहीं ले जा सकते। चलो कुहू, कुहू अंदर चलो, ये इनका जाती मामला है। हम रिया जी को अच्छे से विदा तो कर सकते हैं ना? चलो जल्दी करो। हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। चले राजीव बाबू, आप पूछ नहीं रहे हैं। रिया जी का जन खतरा में है, वो इंसान सही नहीं है। वो विराज रिया का पति है, कानूनन भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन वो जो बर्ताव कर रहे हैं वो कानूनन सही है का? पर इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं? हाँ संजीव बाबू, आप तो वकील है ना, आप काहे नहीं रोक रहे उस आदमी को? उनकी जगह कोई और लड़की होती तो भी आप लोग ऐसे ही हाथ में हाथ धरे देखते रहते? हाँ नहीं ना राजीव बाबू, प्लीज शांत हो जाओ ना। ये सब देख के हम कैसे शांत हो जाए, आप ही बताइए ना हमको। कुछ कीजिए ना, काय ना करते हैं आप? करते हैं कुछ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कह रही हो। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो विराज रिया को लेकर किधर गए। संजीव, तुम पीछा करो और पता करो कि वो उसको लेकर कहां गया। रुको संजीव, हम जाते। देव, देव थोड़ा बैठ भी जाओ ना। दादा, भी टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, टेंशन तो होगी ना, बात ही ऐसी है। दरिंदे से पंगा जो ले लिया है, हम तो कहते दूरी रहो इस विराज और उसकी पत्नी रिया से, बस बहुत हो गया। कैसा बात कर रहे हैं बुआ जी आप? ठीक ही तो कह रहे हैं कु, दूसरों के हित से पहले अपने परिवार की सुरक्षा देखी जाती है, और अक्सर दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाने वालों की टांग टूट जाती है, समझी? इंसानियत, इंसानियत में तो होता है ना बुआ जी, कल को रिया जी को कुछ हो गया आप अपना आत्मा को कहाँ जवाब दीजिएगा?
अरे बस भी करो, हर मसले में टांग अड़ाने की आदत है तुम्हारी, बदलो इस आदत को। वो वर्दी ना उस विराज ने पहन रखी, हमने नहीं। उसके घर में घुस के हम उसकी पत्नी को नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही कह रहा है भानु, सुना तुम लोगों ने, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई मतलब नहीं हमें विराज और उसकी पत्नी से, बंद करो ड्रामा। हो गई पंचायत। कॉलेज में आपका और विराज का झगड़ा था, उसका कीमत रिया जी कह चुका है। संजय बाबू, हम समझ रहे हैं इस समय आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। दादा की बीती जिंदगी से किसी लड़की का यूं अचानक चले आना, दादा का उनके तलाक के बारे में बात करना, हम सब समझ रहे हैं इस समय आपका हाल क्या होगा। संजय बाबू आप गलत समझ रहे हैं, हमको अपने राजीव बाबू पे ना थोड़ा भी शक नहीं है। मतलब राजीव बाबू सही तो कह रहे हैं, ऐसे दरिंदे के साथ कौन रह सकता है। देखे नहीं कैसे घसीट के लेके गए रिया जी को वो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए इनको, अरे छोड़िए इनको। हमारा बस चलता ना तो हम ही हाथ छुड़ा लेते हैं उस दरिंदे इंस्पेक्टर से। इस मामले में हम राजीव बाबू के साथ हैं। संजीव बाबू मदद कर दीजिए, नहीं तो हम अपने भोले बाबा से नजर नहीं मिला पाएंगे, नजर नहीं मिला पाएंगे। इतना अच्छा होना, इतना सच्चा होना अच्छी बात है। बुआ जी हमको जाने दीजिए। समझती क्यों नहीं है तू, कितनी बार कहा तुझसे, समझती क्यों नहीं है, मत घुस इस झमेले में। हमको रिया जी को बचाना है, उनका जो दर्द है ना वो सच्चा है बुआ जी। वो आदमी दरिंदा है बुआ जी। आप बड़का बाबू से बात कीजिए ना, बड़का बाबू कहिए ना, वो न्याय दे सकते हैं ना। अरे तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है कुहू? नहीं नहीं बुआ जी अब गलत समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ना कि रिया जी हमसे हमारे राजीव बाबू को छीन लेगी। ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में, हमको अपने राजीव बाबू पे बहुत भरोसा है। अरे बेवकूफ लड़की, ये मसला रिया से भी कहीं आगे का है। आगे का है माने? रिया से हमारा रिश्ता चंद सालों से है, पर विराज से हमारी दुश्मनी कहीं पुरानी है कुहू। खतरा हमें रिया से नहीं बल्कि विराज से है। माने कॉलेज के समय से राजीव बाबू के साथ? नहीं रे। फिर को बड़का बाबू बुला रहे हैं। दो चार साल नहीं बल्कि दशकों पुरानी है ये दुश्मनी। विराज विराज स्टॉप, Thank you.
बताता हूं चूजे तुझे अब। रुक जाओ विराज जी, क्या कर रहे हो तो? विराज रुक जाओ। मैं समझ गया, ठीक है मैं कॉल करता हूं। कौन था? नटवर सिंह कह रहा था कि उसने विराज ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर रिया की वजह से करवाया है, चंदेलों की वजह से नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी और विराज की टशन तो कॉलेज के बाद ही खत्म हो गई थी। वो नटवर सिंह बता रहा था कि रिया की शादी शुरू में ही बिगड़ गई थी, डाइवोर्स के बाद वो घर से भागी और नटवर सिंह ने उसकी मदद की। अब इसी डाइवोर्स के चलते वो लंदन से वापस आई है और वो उसका दरिंदा पति विराज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और क्योंकि नटवर सिंह ने उसकी मदद की थी इसीलिए विराज ने उसे एक नकली तस्करी के केस में फंसा दिया। चाचू, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बात कुछ और ही है? नहीं, क्योंकि विराज रिया के लिए इतना सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो दिख रहा है ना, मकसद उससे अलग है। दादा, आप सही कह रहे हैं, हमें भी मामला कुछ अलग ही लग रहा है। जी बड़का बाबू। तो बेटा, एक बात बताओ बेटा, तुम रिया की मदद करने के लिए बेचैन हो? अच्छी बात है, जरा ये सोचो कि क्या तुम अपने पति और अपने परिवार को दांव पे लगाकर ऐसा कुछ करना चाहोगी? मेरे बेटे राजीव, मैं सिर्फ तुझसे एक बात कहूंगा, मेरी बात मान। अपने लिए, कुहू के लिए और अपने इस पूरे परिवार के लिए इस रिया और विराज के मसले से दूर है। चाचू, दादा, डोंट माइंड, लेकिन भाभी कुछ भी कहे, आप रिया और विराज से प्लीज दूर रहिए। जी। और चाचू, एक बात समझ में नहीं आई, रिया खतरे में, लेकिन आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे थे? हाँ चाचू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे और बाबा से कुछ छुपा रहे? हम रिया जी का मदद करना चाहते हैं, पर कहो भी यकीन मानिए, हम इस परिवार को, अपने राजीव बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो बेटा। भाई, मां बाबा ने की कृपा से अभी तक तो हमने अपने परिवार को सुरक्षित रखा है, पर आज नहीं, इस शरीर अब बेअसर सा हो गया है, दिल ने धोखा दे दिया है। बड़का बाबू, आपको कुछ नहीं होगा। उस हार्ट अटैक के बाद हमारी हिम्मत टूट सी गई है। अब ऐसे में अगर विराज से जंग शुरू होती है, हमें नहीं लगता ये हमारे बस के। बड़का बाबू, आपके पास दो दो बेटों का बल है, और अगर जंग हुआ ना तो हम अपना सारा बल लगा देंगे। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, बस और कुछ नहीं। बेटा, हम तो चाहेंगे कि तुम इस बात को समझ लो कि हर समस्या का हल तुम नहीं कर सकती। ये जंग आज की नहीं, परसों पुरानी जंग है। परसों पुराना, पर ये जंग है का और का है?
बीत के जख्मों की टीस हमेशा रिसती रहती है को। उसे छेड़ना सही नहीं है। अरे विराज, विराज गुजरे हुए वक्त के जख्मों की टीस लेकर लौटा है। कयामत आ जाएगी अगर तुमने इस जंग को छेड़ा तो। सब खत्म हो जाएगा सब। पर बड़का बाबू बात का है, कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हैं। कौन सा बात छुपा रहे हैं बताइए ना हमको। बाबा राजीव बाबू, बड़का बाबू बताइए ना कौन सा बात है। हाँ कौन सा बात है जो आप छुपा रहे हैं। मैं गोली चला दूंगा, रुको। अपने पति और अपने प्यार से भागने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। बाबा 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 बहरे नहीं है हम। आवाज नीचे करो। जल्दबाजी करती है मुझसे। इतने अरसे के बाद तो मिली हो तुम मुझे, ऐसे कैसे तुम्हें अपनी गिरफ्त से जाने दे सकता हूं मैं। जानती हो कितना भटका कितना तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए। जब तुम मुझसे छुप रही थी अब किसकी बचाओ जो विराज को अपनी रिया से छीनने। कोर्ट कोर्ट में तो अब तुम्हारी तलाक की अर्जी धूल खाएगी या फिर दिल चट्टे। समझ में आ रहा है ना। तू जो भी है बड़ा कायर है रे, चंदेल ही है ना। भाग जा अगर जान प्यारी है तो, मेरे पीछे मत आना। मिलेगा उत्तर। पहले इस लड़की को समझाओ, दूसरों के चलते शहीद बनने की कोशिश न करे और हमसे उलझुल सवाल न करे। हाँ तो सच सच बता दीजिए ना क्या बात है, ताकि इसका और हमारा सबका मुंह बंद हो जाए। और हम देख रहे बाबा, सिर्फ आप नहीं, भानु चाचा और बुआ जी, ये सब भी रहस्य की चादर ओढ़े हुए हैं। सिर्फ रहस्य नहीं, डर का अंधेरा छाया हुआ है सभी के चेहरों पे। ऐसा क्या रहस्य है विराज? वो तो दादा के कॉलेज का टंटा था और उसको भी काफी समय हो गया, तो फिर क्या बात है? सही बात है, थी रंजिश, लेकिन वक्त की धूल निकल गई उसको। नहीं राजीव बाबू, सिर्फ आपका वाला झगड़ा नहीं है, हमको बड़का बाबू कहे कि उससे भी बड़ा कोनो झगड़ा है। हाँ तो फिर बताए ना सच बात क्या है, बोलिए ना बाबा। राजीव, ऐसी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए ना दादा इनको। चाचू प्लीज,
बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो आप कहते कि मिलकर लड़ाई करते हैं, और जब मसले के पीछे की सच बताने की बारी आई तो इतना संकोच क्यों? बाबा, विराज से जुड़ी कोई बात है क्या? उसके अतीत से कुछ है क्या? अगर कुछ भी है तो बता दीजिए। बस अटकले लगाना बंद करो। बड़े सयाने सासी सब बनते हो ना तुम लोग। तो सुनो, उस अतीत का खौफनाक सच सुनो। लेकिन ध्यान रहे, इस सच को जानने के बाद ये लड़की न तो शहीद बनने की कोशिश करेगी, न मसीहा बनने की कोशिश करेगी, और न ही परोपकार की देवी बनने की कोशिश करेगी। और मेरे खिलाफ मोर्चा बंदी करने की हिमाकत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सब मिलकर मोर्चा संभाल लेंगे बाबा, लेकिन आपके खिलाफ नहीं, इस चुनौती के खिलाफ। और ये हम वचन देते हैं। ये रंजिश आज की नहीं है, न ही वर्षों की है, पीढ़ियों पुरानी है ये रंजिश। कॉलेज की टशन से विराज की शुरू नहीं होती कहानी। हमारा ही खून है विराज।